ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ये कुरान मजीद की बड़ी जामे और अहम आयत है। इससे पहले दूसरे पारे के शुरू में एक मजमून बयान किया गया था और वो मजमून ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो तकरीबन 17 महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। आप नमाज तो पढ़ते थे उधर रुख करके, लेकिन आपका दिल खाना काबा की तरफ लगा रहता था क्योंकि वह हज़रत इब्राहिम का क़िबला काबा था और उसको जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो मस्जिद अक्सा को नहीं है। तो आप बसा औकात नमाज की हालत में आसमान की तरफ देखते रहते थे कि कब अल्लाह की तरफ से तब्दीली का हुक्म आता है और क़िबला बदल करके खाना काबा कर दिया जाता है। तो अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह ताला ने खाना काबा को क़िबला बनाने का हुक्म दे दिया। इस पर मुनाफिकीन ने और यहूदियों ने खूब एतराज़ किया कि इनको तो अपने दीन पर ही भरोसा नहीं है, कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, कभी किधर रुख करके नमाज पढ़ लिया कभी किधर रुख करके नमाज पढ़ लिया। और जो लोग ख़ास तौर से जो मुसलमान ये 16-17 महीने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़े हैं और अब उनका इंतकाल हो गया तो इसका मतलब ये गलत था, तो अब इंतकाल हो गया तो उन नमाजों की कदा कैसे करेंगे, वो इस तरह के एतराज़ात। तो अल्लाह ताला ने उस मौके पर भी ये जवाब दिया था कि ना तो क़िबला में खाना काबा असल है ना मस्जिद अक्सा असल है, असल तो अल्लाह का हुक्म है। हमने हुक्म दिया जिस वक्त खाना काबा को क़िबला बनाने का तो वो क़िबला बन गया और उसकी तरफ रुख करके इबादत करना सही है, और हमने जब हुक्म दिया मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करने का तो उस वक्त हमारा हुक्म वो है तो वो काबिल अमल है, वरना जगह में क्या रखा है, किसी भी जगह को या किसी संत को या किसी रुख को अगर कोई अज़मत और फजीलत हासिल हुई है तो वो अल्लाह ही के देने से हुई है ना। आज खाना काबा को फजीलत हासिल है तो उसकी ज़ात में कोई फजीलत थोड़ी है, वो तो अल्लाह ने रखी है इसलिए फजीलत है, अगर अल्लाह ने नहीं रखी होती तो कोई फजीलत होती ही नहीं। तो वो लोग इस बहस में उलझे पड़े थे कि सही क्या है और गलत क्या है। अब एक डॉक्टर किसी मरीज को दवा देता है कि आप जो है 1 महीने या 10 दिन की दवा इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद वो दवा बदल देता है। अब अगर कोई मरीज बेवकूफ़ किस्म का ये कहने लगे कि डॉक्टर को पता नहीं था कि वो शुरू में ही ये दवा लिखता है तो पहले 1 महीने के लिए वो दवा लिखा, बाद में बदल करके दूसरी लिख दिया, फिर बाद में बदल करके तीसरी लिख दिया, तो डॉक्टर को पता है कि कितने दिन कौन सी दवा खिलाई जाएगी तो मरीज ठीक होगा, उसके बाद दवा बदल करके दूसरी दवा बदल दी जाएगी, तो इससे डॉक्टर की जहालत का कोई शुबा होता है?
वो तो बतदरीज हिकमत के साथ मरीज को कौन सी दवा सूट करेगी इस एतबार से देता है। तो उसमें ये तो नहीं है कि डॉक्टर की जहालत कही जाएगी उसको। तो अल्लाह ताला को पता है कि कब क्या हुक्म देना है, कौन से हुक्म अपने बंदों को किस वक्त देना है, वो अल्लाह के इल्म है और उसके मुताबिक अल्लाह अहकाम में तब्दीली करते रहते हैं। तो असल दीन अल्लाह के हुक्म को मानना है, ना काबे में कुछ रखा है ना मस्जिद अक्सा में कुछ रखा है, और बल्कि मैं तो आगे बढ़कर भी ये कहूँगा कि नमाज के अंदर भी कुछ नहीं है। अगर अल्लाह का हुक्म है नमाज पढ़ने का तो नमाज पढ़ना दीन है। चुनांचे जिस वक्त नमाज पढ़ना अल्लाह की तरफ से मना है, अगर कोई उस वक्त नमाज पढ़े तो सवाब मिलेगा, यानी मकरूह हुक्म है। अगर नमाज की शक्ल दीन की होती तो उस वक्त पढ़ना भी दीन होता। रोज़ा रमजान के महीने में आप रख रहे हैं, सवाब मिल रहा है। ईद के दिन रोज़ा रखेंगे तो गुनाह होगा ना। पता चला रोज़ा खुद दीन नहीं है, जिन दिनों में उसकी तरफ से हुक्म है रखने का उन दिनों में दीन बन जाता है, और जिन दिनों में हुक्म नहीं है तो वही चीज़ बेदीनी बन जाएगी। तो असल चीज हुक्म को मानना, उसको उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर उसकी वजाहत करते हुए इरशाद फरमाया कि लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब। नेकी सिर्फ यही नहीं है कि तुम अपना रुख मशरिक या मगरिब की तरफ कर लो, ये नेकी नहीं है खाली। बहुत से लोग वो दीन का मामला भी ऐसे ही है, जैसे कुछ अंधे लोग बैठे हुए थे तो हाथी आ गया, तो किसी अंधे ने हाथी के सूंड को ऐसे हाथ से छू करके कहा अच्छा हाथी जो है ऐसा होता है जिसकी सूंड लंबी होती है। किसी ने उसके पैर को देखा तो उसने बताया कि हाथी ऐसा होता है। किसी ने उसकी पीठ को देखा तो आँख से तो कोई देख नहीं रहा, हर एक ने एक एक हिस्से को लिया हुआ है। कोई सूंड को समझ रहा है कि ये क्या है हाथी है, कोई उसकी टांग को समझ रहा है, कोई उसकी दुम को समझ रहा है, कोई उसकी पीठ को समझ रहा है, लेकिन असल हाथी को कोई नहीं देख रहा है। तो दीन का मामला भी ऐसे ही है कि लोगों ने दीन के कुछ कुछ शोबों को पकड़ लिया और उसको पकड़ के बैठे हुए कि यही दीन है, उसके अलावा बाकी चीज़ों का इनकार है। तो हर शोबे वाले ने अपनी अपनी पसंद का या अपनी अपनी लाइन के दीन को लेकर के बैठे हुए हैं और उसी की अहमियत बयान करते हैं, उसी को पर फोकस करते हैं, और उसके अलावा दीन के जो बहुत से अहम अहम शोबे हैं उसकी तरफ से गफलत है, बेतवज्जोही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अल्लाह ने फरमाया कि नेकी ये नहीं है कि तुम कब मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ अपना रुख करो, वलाकिन अल-बिर्र मन आमना बिल्लाह। नेकी क्या है कि अल्लाह पर ईमान लाए आदमी, अल्लाह को माने, और अल्लाह को मानने के साथ साथ आखिरत के दिन पर यकीन रखे कि मरने के बाद हम सबको दोबारा जिंदा होना है और हमारी असल जिंदगी वो है। ये चंद रोज की दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कितने दिन आदमी इसमें सब कुछ इकट्ठा कर लेने के बावजूद भी उसको बरत नहीं सकता, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तो उसको छोड़ करके चला जाता है। तो आखिरत के दिन पर ईमान, वल मलाइकति और फरिश्तों पर ईमान रखे, वल किताबी और अल्लाह की किताबों पर, जितनी किताबें अल्लाह ने उतारी हैं सब पर ईमान रखे, वन नबीन और सारे नबियों पर ईमान रखे जितने अल्लाह के नबी आए हैं सब पर, वआत अल-माल अला हुब्बिहि ज़वी अल-क़ुर्बा वल-यतामा वल-मसाकीन वाबन अस-सबील, और अपना माल दे अला हुब्बिहि। मुफस्सिरीन ने हुब्बिहि में जो हा ज़मीर है उसका मर्जा मुख्तलिफ बयान किया है, एक मतलब तो इसका यह है कि माल की मोहब्बत के बावजूद माल दे देता है। एक तो यह है कि आपका वो माल है जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मरी मुर्गी को या अल्लाह के नाम आपने कर दी, जब देखा कि अब किसी काम का नहीं है, बेकार हो रहा है, ज़ाय हो रहा है, तो आपने उठा करके सदका कर दिया, तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। बल्कि अल्लाह को क्या पसंद है, आपको खुद उस माल से मोहब्बत हो। वो है ना एक लतीफ़ा, हज़रत हकीम उल उम्मत मौलाना शबीर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने
बयान किया कि एक मर्तबा जो है इस्लाम में एक खातून ने वो खीर बनाई और वो खीर जो है भेज दिया मस्जिद में वली साहब के पास। तो उसने जो बच्चा लेकर के आया था वो बच्चा कहने लगा कि इस खीर में जो है कुत्ते ने मुंह डाल दिया था, इसलिए अम्मी ने यहाँ भेज दिया। तो गुस्सा हो गया वो और वो पटक दिया उसको। तो जिस बर्तन में लेके आया था मिट्टी के बर्तन होते थे वो फूट गया। तो बच्चा रोने लगा कि अम्मी मेरे ऊपर गुस्सा करेगी कि वो बर्तन क्यों फूट गया। तो क्यों गुस्सा करेगी, बर्तन का क्या काम था। तो इस बर्तन में जो है वो बच्चे का पेशाब रखती थी। तो ये सूरत हाल जो है, तो दीन को ये अल्लाह के लिए अगर कुछ देना हो तो ऐसी चीज दीजिए जिसको आप खुद पसंद करते हो। कुरान में फरमाया लन तनालु बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून। तुम हरगिज़ हरगिज़ नेक नहीं बन सकते, नेकी तक पहुंच भी नहीं सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज को ना खर्च करो। जो चीज तुमको खुद पसंद है उसको जब तक खर्च नहीं करोगे उस वक्त तक नेकी तक नहीं पहुंच सकते। तो माल की मोहब्बत के बावजूद माल खर्च करना। दूसरा मतलब यह है कि अल्लाह की मोहब्बत में माल खर्च करना, अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ माल खर्च करना। और माल खर्च करना तो खुश दिली से खर्च करना, यानी कि बोझ समझ के खर्च कर दिया दिल की खुशी के साथ। किस पर खर्च करना, ज़वील क़ुरबा रिश्तेदारों पर। ये भी लोग समझते हैं अच्छा इस आयत में आगे चल करके ज़कात की अदायगी का भी हुक्म है, उसको अल्लाह ने बाद में बयान किया और उसकी वजह मुफस्सिरीन ने लिखी है कि ज़कात तो फ़र्ज है ही। लोग समझते हैं कि ज़कात के अलावा हमारे ऊपर कुछ भी फ़र्ज नहीं है, हालांकि रिश्तेदारों पर खर्च करना भी फ़र्ज है, यतीमों पर खर्च करना भी बसा औकात फ़र्ज हो जाता है अगर उसका कोई कफील ना हो, कोई मिस्कीन और गरीब ऐसा हो जो भूख से मर रहा है और आपके पास ज़रूरत से ज़ायद है लेकिन आप उसको नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे मौके पर ज़कात के अलावा भी आपके ऊपर फ़र्ज है कि आप उसकी जान बचाएं और उसके ऊपर खर्च करें। तो रिश्तेदारों पर खर्च करना, यतीमों पर खर्च करना, गरीबों पर खर्च करना, वन सबीर और मुसाफिरों पर खर्च करना। इस मौके पर जो है मैं बड़े दर्द के साथ आप हजरात के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ख़ासतौर से वो लोग जो अपनी ज़ात के लिए सफ़र नहीं करते बल्कि अल्लाह के दीन के लिए सफ़र करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए सफ़र करते हैं, अल्लाह के काम के लिए सफ़र करते हैं, मदारिस के लिए जो लोग आते हैं आपकी खिदमत में उनके साथ जो है हमदर्दी का मामला हो, उनके साथ मोहब्बत का मामला हो, उनके साथ इकराम का मामला हो, उनके साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी या बदतमीजी का मामला ना किया जाए। ये वो लोग हैं जो दीन की खिदमत करते हैं, कुरान की खिदमत करते हैं और उन मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाते हैं, दीन सिखाते हैं जिनको खुद शुहूर नहीं है अपने आप का, वो उनकी दीन की हिफाजत करते हैं, ईमान की हिफाजत करते हैं। तो ये अपनी ज़ात के लिए आपके पास भीख मांगने नहीं आते कि आप उनके साथ बदसलूकी करें या उनको हकारत की नज़र से देखें। ये काबिल एहतराम और काबिल एहतराम लोग हैं जो आपकी ज़कात को सही जगह पर ले जा कर के खर्च करते हैं। तो उनके साथ बेतौकीरी का मामला नहीं होना चाहिए, बेएहतरामी का मामला नहीं होना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत का मामला हो। बसा औकात ऐसा भी होता है बेचारे आते हैं दूर दूर से और उनका किराया तक वसूल नहीं हो पाता है, इतनी कम रकम उनको मिलती है। इतने लोग मस्जिद में आते हैं, 10-10 रुपये भी अगर सब लोग दे दें तो कम से कम एक ठीक ठाक मकदार उनके पास जमा हो जाए। अब आते हैं इतनी दूर से 50-50 रुपये गाड़ी आप स्टेशन से यहाँ तक का ले लें तो 100 रुपये तो उनका वैसे ही चला गया। अगर 100-150 रुपये चलता हो इतनी बड़ी मस्जिद में तो ये बहुत अफसोस की बात लगती है। सब लोग अगर थोड़ा थोड़ा हिस्सा ले तो एक ठीक ठाक मकदार रकम जमा हो जाती है। तो उनके साथ इकराम का मामला करें। ये वो लोग हैं जो अपनी ज़ात के लिए सफ़र नहीं कर रहे हैं,
कि अल्लाह के काम के लिए सफर कर रहे हैं, वसाइलीन और मांगने वालों के लिए। मांगने वालों में जरूरतमंद लोग जो मांगते हैं, आप उनकी तहकीक करें, उसके बाद जो है उनकी जरूरत पूरी करें। वफिर रिकाब और गुलामों को आजाद करने के सिलसिले में, तो अब गुलाम का जमाना तो नहीं रहा, लेकिन कैदी बहुत से बेकसूर हमारे भाई जो बेकसूर जेलों में बंद हैं, हम अपने इर्द गिर्द का जायजा लेंगे, बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो किसी वजह में सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो अल्लाह का नाम लेते हैं, वो मुसलमान हैं, और उनको जेल की सलाखों के बीच बंद कर दिया गया, हम अपने पैसों से मिल करके इज्तमाही तौर पर उनकी रिहाई की कोशिश करें, उनको निकालने की कोशिश करें, ये बहुत अहम काम है इस वक्त का। वाकाम सलाह और नमाज कायम करते हैं। कुरान मजीद में कहीं भी नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं है, नमाज कायम करने का जिक्र है। अकीम सलाह व आतु ज़का, अकाम सलाह युकीमून सलाह, तो हमेशा जो है अल्लाह ताला ने नमाज के बारे में कायम करने का लफ्ज़ बयान फरमाया है, नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं है। नमाज कायम करने का क्या मतलब है? नमाज कायम करने का मतलब यह है कि नमाज को इस तरीके से अदा की जाए जैसे अदा करना अल्लाह को पसंद है। नमाज कायम करने में यह भी शामिल है कि आप मस्जिद कायम करें, मस्जिद बनाएं, आप जमात के साथ नमाज पढ़ें, ये भी नमाज कायम करने में शामिल है। और जमात खड़ी होने तक आप नमाज के इंतज़ार में बैठे रहें। हदीस में आता है कि जो आदमी नमाज के इंतज़ार में बैठा रहता है गोया वो नमाज ही नहीं है, और उसको नमाज का सवाब मिल रहा है। और नमाज पढ़ने के बाद जितनी देर अपनी जगह पर बैठा रहता है उसको नमाज ही का सवाब मिलता रहता है। तो नमाज के कायम करने में ये चीज़ भी शामिल है। लेकिन बहुत से लोग नमाज के इंतज़ार के बजाय वक्त के इंतज़ार में रहते हैं, और उनको एक मिनट की भी, 30 सेकंड की, 15 सेकंड की ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। अरे भाई, आप सवाब कमाने के लिए अगर आए हैं तो अगर 5 मिनट भी आपको इंतज़ार करना तो सवाब तो मिल जाए ना, सवाब मकसूद है, वो हासिल है, तो बस इस पर इक्तफा करना चाहिए। तो जिस बेसब्री का मुजाहरा हम मस्जिद में करते हैं और जिस बेसब्री का मुजाहरा हम अल्लाह के घर में करते हैं, ये नमाज कायम करने के मफहूम में शामिल नहीं है। झूठ का बाहर मंडलाते रहेंगे, चाय की दुकानों पर बैठ करके जो घंटों बहस करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को जो चाय की दुकान में बहस करते हैं, इधर उधर मंडलाते फिरते हैं, कोई काम नहीं होता उनके पास 24 घंटे में से, लेकिन मस्जिद की 1 सेकंड की ताखीर, 10 सेकंड की ताखीर उनको बर्दाश्त नहीं होती। वात ज़कात और ज़कात अदा करते हैं। ज़कात अदा करने में देखिए, जिस तरीके से ज़कात फर्ज है उस तरीके से ज़कात को सही मसरफ तक पहुंचाना भी फर्ज है। कि आप जिस तरीके से अपने पूरे माल का हिसाब करके, तो बहुत से लोग अंदाजे से ज़कात अदा कर देते हैं। ज़कात जितना माल आपके पास है, कैश हो या तजारत का सामान हो या सोना और चांदी हो या कोई भी चीज़ हो, तजारत की नीयत से आपने कुछ भी लिया वो सब माने ज़कात है। तो उस पैसे का एक एक पैसे का हिसाब करके, जितना पैसा इस वक्त आपके पास मौजूद है, सिर्फ पैसे नहीं, पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, या आपने बिल्डिंग खरीद रखी है और वो बेचने की नीयत से खरीदी हुई है, तो उन सब चीज़ों की कीमत लगाएंगे और एक एक पैसे का हिसाब करके जितना आपके ऊपर कर्जा है वो माइनस कर लेंगे, और उसके अलावा जो बचेगा उन सब पैसे की ज़कात होगी। अगर एक पैसे की ज़कात भी रह जाती है देने से, तो वो एक जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया पूरे माल को नापाक कर देता है। तो हिसाब करके ज़कात अदा करना और ज़कात को मुस्तहिकीन तक पहुँचाना, ये भी जिम्मेदारी है। वल्मुफून बिअहदिहिम इज़ा अहदू, और जब वो अहद करें तो अहद की पासदारी करने वाले हों, वादा पूरा करने वाले हों। कभी कभार वादा पूरा कर दिया नहीं, उसके मिजाज में ये बात है कि वो अहद को पूरा कर रहे हैं, वादा को पूरा करते हैं। वस्साबिरीन फिल बासा वज़्ज़र्रा,
और तंगदस्ती में और तकलीफ में, वहीन अल्बास और ख़ास तौर से हालत जंग में वो सब्र करने वाले हैं। इंसान जब अच्छे हालात रहते हैं तो उसमें तो ठीक ठाक रह लेता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है, जब परेशानी आती है तो मजहब से बेदारी अख्तियार कर लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह ने अब्दुल्ला फरमाया وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, कुछ लोग हैं जो किनारे पर रह के अल्लाह की इबादत करते हैं। क्या मतलब? इन असाबहु खैरुन इत्मईन भी, अगर माल मिलता है कोई खैर मिलता है तो मुतमईन रहते हैं। वही असाबत फितनतुन इन्क़लब अला वजही, अगर कोई परेशानी आ जाती है, कोई आजमाइश और मुसीबत आ जाती है तो मुंह के बल वापस हो जाते हैं। खसीरत दुनिया वाल आखिरत, ये दुनिया का भी नुकसान करते हैं आखिरत का भी करते हैं, ये है असल खसारे वाले। तो हर हाल में अल्लाह के हुक्म पर, हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी रहना चाहिए, चाहे हम पर जैसे भी हालात आना। अभी हम लोग ठीक ठाक हालात में चल रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात आए जैसे फलस्तीनी भाइयों पर आए हुए हैं, तो जिस सब्र के साथ, जिस इस्तकामत के साथ वो अपने दीन पर जमे हुए हैं, क्या हमारे अंदर वो हौसला है? अगर नहीं है तो हमें अपने अंदर वो हौसला पैदा करने की ज़रूरत है। वैसा ईमान, वैसा तवक्कुल और वैसा सब्र, वैसी कनाअत और वो ईमानी सिफात जिसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं रह सकता। उलाइक अल्लज़ीन सदक़ू, ये वो लोग हैं जो सच्चे कहलाने के मुस्तहिक़ हैं। ये जिनके अंदर ये सारी सिफात हैं वो उलाइक हुमुल मुत्तकून, और ये लोग तकवा वाले हैं। तो इन आमाल को, इन औसाफ को जो इसमें बयान किया गया है, उसको इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये सब नेकी के काम हैं। एक एक छोटे को, एक एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाना, ये असल नेकी नहीं है। बहुत सी नेकियाँ और भी हैं जो तुम नहीं करते हो, तुमको अपनाने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सब को अमल करे।